आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है और वेट को मेंटेन करके रखना है, बाकी कभी कभार सब कुछ होता है। जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब? तो दिन की शुरुआत आप लोग भी ज़रूर प्रकृति के साथ, नेचर के साथ किया कीजिए। या तो सुबह सुबह वॉक करने चाहिए, या फिर अपने घर के आसपास या फिर घर के अंदर जो भी पेड़ पौधे हों उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। प्रकृति के साथ समय बिताने से हम जीवंत हो उठते हैं, हमें खुशियाँ मिलती हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह का समय हो चुका है तो मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, जिसमें मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन एंड हनी। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है तो आप भी मौसम के अकॉर्डिंग ही मॉर्निंग ड्रिंक को भी चेंज कर दें। जैसे कि मौसम गर्म हो चुका है तो आप कुछ भी गर्म तासीर की मॉर्निंग ड्रिंक चेंज कर सकते हो, जैसे अब तक जो भी पी रहे थे। ठीक है, तो मैं अभी कुछ दिन ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। कॉफ़ी पीने से बीपी भी ठीक हो जाता है, इसीलिए तो मेरा कुछ दिनों से बीपी लो चल रहा है, तो मैं इसलिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई हूँ मॉर्निंग ड्रिंक में। और कैसी लग रही है मेरी वीडियोस? मुझे लग रहा है आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मेरे को, मेरी वीडियोस आपको अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं चैनल पर और वीडियोज़ चल भी नहीं रही हैं। तो क्या कमी लग रही है आप लोगों को वीडियोज़ में और क्या देखना चाहते हैं आप लोग, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो दिखाती हूँ आगे। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज पोहा। कई दिन हो गया पोहा नहीं खाया है और पोहे से मुझे है बहुत सारा प्यार, तो मैंने सब्जियाँ काटी हैं। प्याज नहीं है इसमें क्योंकि पतिदेव प्याज नहीं खाते, तो बिना प्याज का ही है। लेकिन इसमें है पत्ता गोभी, हरी मिर्च, टमाटर, और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया इसे फ्राई करके। और इधर बन रही है चाय, और हाँ मैंने इसमें ना एक बॉयल्ड आलू भी चॉप करके डाला है छोटा छोटा, क्योंकि घर पर सबको पसंद है और पोहे में हमेशा ना सबको थोड़ा सा दाल से भी पसंद है। तो दाल से मतलब दाल मोठ नमकीन, बिना उसके कोई भी पोहा नहीं खाता। और मुझे भी पोहे में दाल से पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी मैं डालती हूँ। मतलब ये वाली दाल से जो होती है, ये वाली दाल से जो काली मसूर की दाल वाली दाल से आती है, वो इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा सा हो जाता है, एकदम एनहेंस सा हो जाता है और इतना ज़्यादा यम्मी हो जाता है ये पोहा। वैसे तो अगर आपके मसाले वगैरह सब कुछ ठीक है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्लेवर बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मैं इतना सारा अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ इसलिए मैं डाल लेती हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें सब, लेकिन आपको नहीं लेनी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो चलो ये बन चुका है, इसे हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं और चाय को छान लेते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया और ये थोड़ी सी दाल सेप डाल दी है, जिसे पूरे पोहे में इवनली मिला दूँगी। इससे जो इसका फ्लेवर है वो एनहेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और आपको पीछे से जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है, तो नीचे जनरेटर चल रहा है कारखाने वाला, तो उसकी आवाज़ आ रही है। आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो घर है वो 3 मंजिल का बना हुआ है, तो नीचे वाले फ्लोर पर कारखाना है तो उसके जनरेटर की आवाज़ है। चलो यार, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, फटाफट से सर्व करते हैं इसको। और मैं, हनु और पतिदेव तीनों एक साथ ही पोहा खाने वाले हैं, तो ये कर लिया है मैंने सर्व और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज है दशहरा और अगर आज के दिन आपने शाम के टाइम पर जलेबी नहीं खाई तो फिर क्या खाया? और ये जो फेस पे थोड़ा सा निशान है ना, इसको आप लोग देख रहे होंगे, मेरे थोड़ा सर में दर्द था तो मैंने एक गरम कपड़ा बांध दिया था, उसका निशान पड़ गया है। थोड़ी देर में नॉर्मल होगा क्योंकि 2-3 घंटे से वो बंद रहा था। तो आज रावण जलता है तब शाम के टाइम पर जलेबी बनाई जाती हैं। आप लोगों के यहाँ पर जलेबी खाई जाती हैं कि नहीं? हमारे यहाँ पर तो ज़रूर खाई जाती हैं। तो ये आ चुकी है हमारी जलेबी और हनु को तो वेट ही नहीं हो रहा। आज का पहला ऐसा दिन होता है, मतलब पूरे साल में इकलौता ऐसा दिन होता है जिस दिन शाम के टाइम पर जलेबी बनती हैं, और वो जलेबी बनती हैं रावण के मरने की खुशी में, उसको जलाने की खुशी में। तो हनु का शुरू हो चुका है जलेबी खाना और गरम गरम जलेबी हम भी खाएंगे और आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। कभी कभी चलता है और ऐसे अगर आप त्योहारों पर मीठा मिठाई वगैरह खा लेते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। अभी जलेबी खाने के बाद मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बेहतरीन वेट लॉस ड्रिंक, जो त्योहारों पर आपके बढ़े हुए वजन को इतनी तेज़ी से कम करेगी कि अगर आप उसे लगातार 15 दिन तक पी लेंगे
तो आपका 5 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा और फैट तो इतना अच्छा जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने त्योहारों पर इतना पूरी पकवान खाया फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ा और आपका पेट उल्टा कम हो गया। तो अभी तो पहले हम जलेबी खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग भी इंजॉय कीजिए गरम गरम जलेबी। चबाना नहीं भूलना है आपको। तो आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी और मेरे पूरी परिवार की तरफ से हैप्पी दशहरा, एंजॉय। जिस वेट लॉस ड्रिंक का आप लोगों को इतने दिनों से इंतज़ार था, जो मैं आप लोगों से कह रही थी कि त्यौहार के बाद आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करेगी, चलो वो वाली वेट लॉस ड्रिंक आज बनाते हैं। और आप अगर लगातार 15 दिनों तक इसका सेवन करोगे तो यकीन मानो त्योहारों पर उल्टा सीधा पूरी पकवान मीठा मिठाई खाने के बाद भी आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और पेट की चर्बी उल्टा कम हो जाएगी और आपको अपनी बॉडी और भी ज़्यादा स्लिम नज़र आएगी। तो क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी। अगर आप एक बार में पूरे दिन के लिए बना लो तो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे पास 4 लीटर वाला भगोना दूध में घिरा हुआ है तो मैं इसी में बना रही हूँ 2 लीटर वाले भगोने में, मतलब 2.5 लीटर का भगोना है मेरा लगभग। मैंने इसमें 2.5 लीटर पानी ले लिया है, यही पानी आपको पूरे दिन पीना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको मैं बताती हूँ क्या क्या मिलाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें डलेगा 1 चम्मच जीरा, ठीक है, 1 चम्मच पूरा भर के, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब 1-1 चम्मच भर के डलेंगे। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ही आपको उसमें डालना है ग्रेट किया हुआ अदरक, ठीक है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से उबलने देंगे। इस वेट लॉस ड्रिंक को मैं दूसरी बार बना रही हूँ, पहली बार मैंने बनाया था जब मेरे मामा जी के यहाँ पर शादी थी तो उस सीज़न में मैंने पिया था, क्योंकि मैंने बहुत मीठा खाया था, बहुत आइसक्रीम खाई थी, गर्मियों का सीज़न था, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करती हूँ बट सब पीना पड़ता है जब शादी वगैरह में जाना होता है और ऑयली खाना तो बनता ही है ऑब्वियसली। तो इसे ना आपको अच्छे से मतलब उबाल के इसे आधा नहीं करना है, बस इसमें एक बॉयल आने तक ही उबालना है और इस पानी को सुबह उठते ही बना लेना, ठीक है। और फिर आपको पूरे दिन यही वाला पानी कंज्यूम करना है, मतलब पीना है। जितनी बार भी आप पानी पियोगे आपको यही वाला पानी पीना है। सुबह उठ के वेट लॉस मॉर्निंग ड्रिंक भी आपकी यही होगी और रात को सोने के टाइम तक कोई भी दूसरी कोई वेट लॉस ड्रिंक यूज़ नहीं करनी, कोई ग्रीन टी यूज़ नहीं करनी, कोई भी वेट लॉस चूर्ण यूज़ नहीं करना, कोई भी नाइट ड्रिंक यूज़ नहीं करनी। सुबह से लेकर रात तक आप जितना भी पानी पियोगे वो आप यही पियोगे। और जब ये पानी ख़त्म होने लगेगा, मान लीजिए भगवान आपका आधा हो जाएगा, तो इसमें वापस से पानी कर लेना। आप एक दिन में जितना पानी पी सकते हो आपको यही वाला पानी पीना है। नॉर्मली तो 4 से 5 लीटर पानी हमको पीना ही चाहिए, अभी ये 2.5 लीटर है क्योंकि ठंड आ गई है तो थोड़ा पानी कंज्यूम कम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कम से कम 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही है। तो जब ये खाली हो जाए तो इसमें फिर से पानी भर देना और पूरे दिन सोने के टाइम तक यही पानी पीना है। विश्वास नहीं करोगे इस पानी को पीने के, देखो कितने सारे फ़ायदे हैं। जब तक ये उबल रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले पानी को पीने से सबसे बड़ी बात, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा आ जाएगा, जो कुछ भी खाओगे ना तुरंत पच जाएगा। ब्लोटिंग और गैस की समस्या जिन लोगों को होती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जिन लोगों को अपच की और कब्ज की यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनमें इतने सारे मिनरल और विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी आँखों को ठीक करेंगे, आपके बालों को ठीक करेंगे, आपके बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा। 15 दिन में ही आप अंतर देख लेना और आपके स्किन पे ग्लो बढ़ जाएगा, बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगी, आपके शरीर की सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल जाएगी बाय यूरिन एंड बाय फ्लश। मतलब सुबह जब आप फ्रेश होएंगे तब भी पेट आपका अच्छा साफ होगा और यूरिन के द्वारा भी आपकी सारी की सारी गंदगी निकल जाएगी। बस इसको उबाल आना है और अगर आप इसको पूरे दिन गुनगुना गुनगुना पीना चाहो तो बहुत ही अच्छा। वैसे भी मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है तो आप गुनगुना इसको पी सकते हो। और अगर आप इसको गुनगुना नहीं पीना चाहो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बॉयल हो जाएगी, फिर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले सकते हो, बस आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि मौसम अभी फ्रिज वाला पानी पीने का नहीं है तो आपको नुकसान करेगा। गर्मियों में जब आप इसको बनाओगे तो आप इसको ठंडा भी एंजॉय कर सकते हो, तो गर्मियों के लिए मैं अलग से बताऊंगी फिर कभी। तो अभी इसमें बॉयल आने देते हैं। देखो, आपके शरीर में कोई भी परेशानी हो, थायराइड हो, हाइपर एसिडिटी हो, बीपी की प्रॉब्लम हो हाई या लो की, या फिर आपको डायबिटीज़ हो, या फिर कोई भी समस्या हो, ये वेट लॉस ड्रिंक हर समस्या में काम करती है। आपके जॉइंट पेन को ठीक करेगी, पीरियड्स के टाइम में होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, मतलब जितनी भी वेट लॉस ड्रिंक होती है ना, ये उन सबका कॉम्बो है। आप ये बोल सकते हो कि ये उन सबका बाप है, मतलब मैं इसे देसी लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन रियली ये सुपर फैट लॉस ड्रिंक है। आपकी इंचेस को बहुत अच्छे से लॉस करेगी, बहुत अच्छे से कम करेगी। और जब आप इसको ट्राई करोगे ना, मैंने जब इसको ट्राई किया था, पहली बार बनाया था, मतलब मैंने खुद ही बनाया था, मैंने सोचा कि ना सारी की सारी चीज़ों को मिक्सअप करके देखते हैं कि क्या काम करता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इसको लगातार एक हफ्ते तक पिया था और इतना सब कुछ खाने पीने के बाद भी मेरा बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ा था, उल्टा मैं शादी में और स्लिम नज़र आ रही थी सारी की सारी ड्रेसेस में। सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे चैनल पर वीडियोस ऑलरेडी देख रखी हैं शादी के ब्लॉग्स वाले, उन सब लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, बहुत अच्छे अच्छे। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अपने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे, तो एक तो चैनल पर जाके शादी वाले ब्लॉग्स देखना, और जून में डाले थे मैंने शादी वाले ब्लॉग्स, और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ ऐसी ही नई नई वेट लॉस टिप्स, फैट लॉस टिप्स, वेट लॉस मोटिवेशन वीडियो, डेली डाइट प्लान वीडियोस। और मेरे चैनल पर आकर आपको, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो सीरियसली, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस कर लेना, और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर देना जिनको अपना वज़न कम करना है और जो मोटापे के शिकार हैं। तो बिना एक भी रुपया खर्च किए आप इस फैट कटर ड्रिंक के द्वारा अपना आसानी से वज़न कम कर सकते हो। और जब भी कोई कुछ भी उल्टा सीधा खा लो, उस दिन पूरे दिन यही वाली फैट कटर ड्रिंक आपको पीनी है। बस अब इसमें बॉयल आने ही वाला है, बस ये उबल जाए उसके बाद आपको इसको बंद कर देनी है। आप चाहो तो, वैसे तो ना ये 24 घंटे ही बढ़िया काम करती है, मतलब फिर आपको इसको चेंज करके फिर से बनाना है इसी तरीके से, लेकिन अगर आप चाहो, आपको लगे कि नहीं अभी ये कल और चल सकती है, तो आप इन्हीं बीजों से दूसरे दिन की भी बना सकते हो। सेम वही 2.5 लीटर पानी इन्हीं बीजों में भर लेना और फिर से इसको बॉयल करके बना लेना, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि पूरे दिन हम इसी वाले पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए ये 24 घंटे ही अपना बेस्ट रिजल्ट देगी। अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो 24 घंटे बाद इसको फिर से न्यू बना लेना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके ज़रूर काम आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, कमेंट करके बताना कि क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको मेरी वीडियोज से, और इस वेट लॉस ड्रिंक को पीने के एक हफ्ते बाद मुझे अपना रिजल्ट किसी भी वीडियो के नीचे आके शेयर ज़रूर करना, जिससे मुझे तो पता है इसका क्या रिज़ल्ट है, बट जिन लोगों को नहीं पता उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा इसका रिज़ल्ट देखने के बाद। तो चलो इसको अच्छे से बॉयल करते हैं। इस ड्रिंक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, वैसे तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, और क्योंकि हम इसको एज अ डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ड्रिंक को ओनली मॉर्निंग वाटर, मतलब मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक और ओनली नाइट वेट लॉस ड्रिंक की तरह से लो, तो आप इसमें नींबू और शहद को ऐड कर सकते हो 1-1 चम्मच, ठीक है। लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही अभी, मैं इसको ऐसे ही पीऊँगी पूरे दिन डिटॉक्स वाटर की तरह। तो जो मैंने अभी इतने दिन में उल्टा सीधा खाया है, पूरी पकवान, गुजिया, हलवा, पता नहीं क्या क्या खा लिया, और अभी आप लोगों ने देखा मैंने जलेबी भी खाई, तो मैं सब कुछ खाती रहती हूँ, फिर यही सब कुछ बना लेती हूँ और वापस वेट मैनेज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वेट मतलब कम होने के बाद बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, क्योंकि वेट तो थोड़ा बहुत 1-2 केजी ना ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इतना टेंशन ना लो कि इतना कम हो गया तो और फिर से बढ़ गया तो क्या करें, आपको तरीका पता है, फिर से कम कर लो, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा बहुत वेट इधर उधर चलता रहता है, सबका चलता है, वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरा भी हो जाता है,
कभी कभी ऊपर नीचे, फिर वापस कम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे परमानेंटली फिक्स किसी का वेट नहीं होता कि इतना कम हो गया तो कम हो ही जाएगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो वापस बढ़ेगा ऑब्वियसली। जिनकी बॉडी वेट बढ़ने वाली होती है उनका वेट वापस बढ़ ही जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है और वेट को मेंटेन करके रखना है। बाकी कभी कभार सब कुछ चलता है, जब भी उल्टा सीधा कुछ खा लो, पार्टीज़ अटेंड करो, फंक्शन अटेंड करो, उसके बाद ही बना के पी लो। सो सिंपल, इससे ज़्यादा आसान तरीका और अब मैं क्या बताऊँ आपको। और बाकी आप लोग सब मेरे चैनल से जुड़े हुए ही हैं, तो समय समय पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती रहूँगी जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ट्राई की हैं और जिनके रिजल्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी इसमें उबाल आने में काफ़ी ज़्यादा देर लग रही है क्योंकि ये है 2.5 लीटर पानी, तो अभी इसे उबाल आने देते हैं और उबाल आने के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ अभी से फाइनल। तो ये हो चुकी है बॉयल, बस इसे बंद कर दें। अब ये थोड़ा पीने लायक गुनगुना होता है तब मैं आपको इसे पीकर दिखाती हूँ। और जितनी देर में ये बॉयल हुई ना उतनी देर में मैंने सारे बर्तन मांझ लिए, ये देखो। तो चलो अब इसे ठंडा करते हैं थोड़ा सा और फिर पीते हैं। तो तैयार है हमारी मैजिकल वेट लॉस फैट कटर ड्रिंक, जिसे आपको गुनगुना करके पीना है, अपना मुंह मत जला लेना। अभी काफ़ी गर्म है ये, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत यम्मी लगता है मुझे तो। तो चलो मैं भी इसे एंजॉय करती हूँ स्लोली स्लोली, और आप लोग भी बनाकर पीना और मुझे बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिले इसके, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई, मोटिवेशन दिया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। चलो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।